ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु जब जब सांस लेते हैं इस संसार का जन्म होता है और उसी सांस के खत्म होने पर ये सब कुछ भगवान विष्णु में मिल जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सारा ज्ञान आया कहाँ से, हम इसके बारे में कैसे जानते हैं। जो धारण किया जा सके वही है धर्म। धर्म कोई संकुचित विचारधारा नहीं होनी चाहिए, धर्म कोई निश्चित सीमा रेखा में बंधी हुई व्याख्या नहीं होनी चाहिए, या फिर धर्म कोई कट्टर विचारधारा नहीं होनी चाहिए कि अगर आप इतना 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 पालन कर रहे हैं तो ही आप धार्मिक हैं, अगर आप इतनी चीज़ें नहीं कर रहे हैं, अगर आप दूसरे किसी बिलीफ का, दूसरे किसी मान्यता का पालन कर रहे हैं तो आप धार्मिक नहीं हैं। सनातन धर्म, इस शब्द का सबसे पहला मेंशन हमें गीता में मिलता है। जब श्री कृष्ण अर्जुन को धर्म का ज्ञान दे रहे थे तब उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया था। लेकिन क्या हिंदुइज्म और सनातन धर्म एक है या इसमें कुछ फर्क है? जितना हम समझ पाए हैं, हिंदुइज्म एक नाम है। इस नाम के पीछे का कारण एक नदी हुआ करती थी जिसका नाम था सिंधु। कैलाश पर्वत से होती हुई ये नदी पंजाब में 5 नदियों का संगम बनाती है और इसी सिंधु नदी के पास रहने वाले लोगों को सिंधु कहा जाता था। लेकिन जब ग्रीक्स और पर्शियंस ने भारत पर इन्वेड किया तो इस नदी को अपनी भाषा में सिंधु के बजाय हिंदू कहने लगे। ब्रिटिश राज आते आते यही नाम एक धर्म की तरह देखा जाने लगा। थोड़ा और आगे चलकर ये नदी बन गई इंडस और इसी इंडस नदी के नाम पर वो जगह बन गई इंडिया। तो अगर शॉर्ट में समझा जाए, हिंदुइज्म कोई धर्म नहीं है बल्कि एक नदी के पास रहने वाले लोगों का नाम था। हमारा धर्म जिसके बारे में श्री कृष्ण महाभारत में बात करते हैं वो असल में कहा जाता है सनातन धर्म। एक ऐसा धर्म जो समय से पहले भी था और समय के बाद भी रहेगा। सनातन का मतलब ही होता है इटर्नल, यानी जो कभी खत्म ना हो सके। क्योंकि दूसरे धर्मों की तरह सनातन धर्म का कोई एक फाउंडर नहीं है, कोई एक बुक नहीं है जिसमें इस धर्म का सारा ज्ञान लिखा हो, सारे रूल्स लिखे हो। तो साधारण शब्दों में ये कहा जा सकता है कि सनातन धर्म एक फिलॉसफी है, जीवन जीने का तरीका है और इस सब का प्रूफ हमें मिलता है इसके इतिहास में। सनातन धर्म की हिस्ट्री को अगर ट्रेस किया जाए तो सबसे पहले बात आती है वेदों की। हमारे वेद ही हमारे इतिहास के सबसे पुराने टेक्स्ट हैं और हमारे धर्म की नींव भी। ऐसा माना जाता है कि वेद अपौरुषीय हैं, यानी इन्हें किसी इंसान ने नहीं बनाया। ये ज्ञान कुछ महाज्ञानी ऋषियों को प्राप्त हुआ जो उनके शिष्यों द्वारा ट्रांसफर होता गया, पर ये सब वर्बली होता था। कई सदियों तक ये सारा ज्ञान लिखा ही नहीं था और आखिरकार ऋषि वेद व्यास ने इन्हें इकट्ठा कर एक स्ट्रक्चर दिया और 4 वेदों में इन्हें बांट दिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये बातें सुनने में शायद इतनी बड़ी ना लगे लेकिन हमारे वेद दुनिया के सबसे पुराने टेक्स्ट में से हैं, करीब 4000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। इन ग्रंथों में जो ज्ञान छुपा है उसे आज तक हम समझ नहीं पाए। कई बार ऐसा भी हुआ है जब साइंस कोई बहुत बड़ी डिस्कवरी करता है तब पता चलता है कि हमारे वेदों में ये ज्ञान पहले से ही था, जैसे पृथ्वी का गोल होना, अलग अलग प्लैनेट्स, पृथ्वी से सूरज का डिस्टेंस, कॉन्सेप्ट्स जैसे मल्टीवर्स और क्वांटम मैकेनिक्स, एटम बॉम्ब बनाने वाले रॉबर्ट ओपेनहाइमर, एटम को ढूंढने वाले नील्स बोर, क्वांटम मैकेनिक्स के एक फाउंडर एर्विन श्रोडिंगर, ऐसे कई सारे फेमस साइंटिस्ट ने हमारे ग्रंथों को अपनी इंस्पिरेशन बताया है। करीब 20,000 श्लोकों को मिलाकर बनते हैं ये चारों वेद, लेकिन इनमें से अकेले सिर्फ ऋग्वेद में ही 10,000 से ज्यादा श्लोक पाए जाते हैं, जिसमें ग्रामर से लेके फिलोसफी, बायोलॉजी, जियोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, फिजिक्स, इन सब चीजों का ज्ञान छुपा है। हमारे वेदों में इतने हाई लेवल का ज्ञान छुपा है कि हम आज तक उसके आगे नहीं जा पाए। लेकिन वेदों में एक चीज काफी अलग है जो आज हमारे जीवन का सबसे अहम हिस्सा है, हमारे भगवान।